हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आ गई हूँ स्मार्ट बाज़ार के इस आउटलेट में, जहाँ मुझे दिखी है बहुत ही अच्छी दिवाली की बम्पर सेल। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी गिफ्टिंग के पर्पज से, घर की चीज़ें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें थी खाने पीने की, जो कि आपको छोटी छोटी बॉटल 32 या 19 रुपीज़ में मिल रही थी। बहुत ही अच्छा और रिजनेबल रेट था। आपको खाने की चीज़ें हर चीज़ यहाँ पर मिल रही थी। ये यहाँ पर कुछ बिस्किट्स के पैकेट थे, जो कि लार्ज पैकेट थे, और उसमें बाई टू गेट वन का बहुत ही अच्छा ऑफर था। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि इसमें आप जैसे अभी फेस्टिवल्स आ रहा है, तो आपको घर में ये सब चाहिए होगा, बिस्किट नमकीन, तो उसके लिए आप बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे बाय कर सकते हो। और आपको बहुत ही अच्छा रेट पड़ेगा, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा महंगा इसमें लगेगा नहीं। हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा सा ऑफर निकला हुआ था, ऐसा नहीं था किसी में 50% ऑफ था, किसी में बाई टू, किसी में बाई टू गेट वन का था। सो यहाँ पे आ गए थे वेजिटेबल्स के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे रेट से, बहुत ही रिजनेबल रेट से आलू प्याज टमाटर यहाँ पे सब लगे हुए हैं। फ्रूट्स आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। तो रेट्स इनके बहुत ही अच्छे थे। और रियांश मेरे साथ बैठा है, इसलिए उसकी आवाज़ें आपको सुनाई देंगी ज़रूर। सो अभी यहाँ पे मैं कैस्ट्रॉल के सेक्शन में आ गई थी, जो कि कलेक्शन बहुत ही अमेजिंग थे। बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स यहाँ पे आपको कैस्ट्रॉल के दिख जाएंगे। रेट्स भी काफ़ी रिजनेबल थे। बात करें तो यहाँ पे 592 में आपको मिल्टन का बहुत ही अच्छा बड़ा वाला कैस्ट्रॉल मिल जाता है, और यहाँ पे 999 में आपको एक वुडन का कैस्ट्रॉल दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से रेट फिर भी ठीक है, ज़्यादा कॉस्टली मुझे दिखा नहीं। यहाँ पे फ्लास्क थे, जो कि बहुत ही अच्छे इनके कलेक्शन से, इनके जो कलर्स कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छे थे। फिर मैं आ गई थी कप्स के सेक्शन में, क्योंकि मुझे कप्स चाहिए थे। तो दिवाली में जैसे हम किसी को कप गिफ्ट करना हो या घर के लिए यूज़ के लिए चाहिए हो, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी कलेक्शन है कप्स की। बाय वन गेट वन भी है, और आपको अगर 99 में आपको 6 सेट चाहिए तो वो भी है। 120 भले हैं, जिनमें बाय वन गेट वन का बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। शेप्स और कलर्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे मिल रहे थे। फिर मैं आती हूँ यहाँ पे एक सेक्शन है, जहाँ पे आपको घी, मतलब जितनी भी आपकी ग्रॉसरी वाली आइटम्स होती हैं, वो सब मिल जाएंगी। घी वगैरह बहुत ही अच्छे रेट्स में मिल रहे थे। फिर यहाँ पे मैंने देखा स्टील का भी बहुत अच्छा एक सेक्शन था, जहाँ पे आपको स्टील की जो छन्ने होते हैं, जिनमें हम सब्ज़ियाँ धोते हैं, तो ये यहाँ पर आपको मिल जाती हैं 249 के रेट में। और मैंने यहाँ पर देखा कि MRP ज़्यादा है, लेकिन इनका जो रेट है 485, विच इज़ नॉट बैड। और यहाँ पे आपको कलरफुल एक छन्ना मिल जाता है, तो ये अच्छी कलेक्शन यहाँ पे मैंने देखी। और यहाँ पे आपको ब्लेंडर्स भी मिल रहे हैं, तो उनमें भी बहुत अच्छा डिस्काउंट इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ था। तो ब्लेंडर मिनी साइज़ का है, इसको आप ज़रूर कैरी कर सकते हैं, ज़रूर ले सकते हैं। यहाँ पे जो आपको मिलते हैं ये प्याज वगैरह काटने के लिए, तो ये मिनी वाला जो था बहुत अच्छा था। फिर मैं आ गई थी, ये राहुल एक चीज़ देख रहा था, पिल्लो, जो कि बहुत ज़रूरी रहते हैं हमारे लिए। तो 500 में आपको दो पिल्लो के सेट मिल रहे थे, तो बहुत ही अच्छा वाला मुझे इसका सेट लगा, बट मैंने लिया नहीं, क्योंकि क्वालिटी मैंने अंदर चेक नहीं की थी। यहाँ पर फिर मैंने देखा सेक्शन है बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का, जैसे हमारा छन्नी। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें थी छोटी मोटी, जिसमें आपको बहुत अच्छे रेट्स स्पैचुलर्स यहाँ पे थे। फिर यहाँ पे आगे सेक्शन आ जाता है आपका नॉनस्टिक का, अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है या अपने घर के यूज़ के लिए लेना है, तो यहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं। 500, 600, हर किसी की अलग अलग रेंज है, जैसा आपको चाहिए। बट लिटरली आप यकीन करो, बहुत ही अच्छी कलेक्शन, बहुत, मतलब आपको सस्ता लेना तो आपको वो भी मिल जाएगा, आपको महंगा चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वंडर शेफ की कढ़ाइयाँ मुझे दिख रही थी, जो कि 50% ऑफ में थी। बहुत ही अच्छा कलेक्शन मुझे यहाँ पे दिखा कढ़ाइयों का। और यहाँ पे आपको सेट मिल जाते हैं, जो कि आपके चाय के बर्तन होते हैं, एक बड़ी कढ़ाई होगी वो आपको मिल सकता है यहाँ पे। 99 में मैंने आप यहाँ पे देखा कि स्पाइस बॉक्स आपको मिल रहा है, प्लास्टिक में है ये, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी और कलरफुल। फिर राहुल यहाँ पे आके अपने लिए लंच बॉक्स देखने के लिए, बोरोसिल का ग्लास का ये लंच बॉक्स है 3 सेट का। और यहाँ पे कप सेट भी थे, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए, या भी आपको घर के लिए यूज़ करना है तो आप ले सकते हैं। 700 में आपको बहुत ही अच्छा बोरोसिल का लंच बॉक्स यहाँ पे मिल रहा है। तो राहुल ने अपने ले लिया था कि उसको आगे उस ऑफिस के लिए चाहिए था। फिर यहाँ पे एक सेक्शन था ग्लास का, जो कि गिफ्टिंग पर्पज से ही है बेसिकली। तो यहाँ पे 4 ग्लास हैं और एक बड़ा जार है, तो इसका प्राइस भी ठीक था, बट डिपेंड्स कि आप लेना चाहो या ना लेना चाहो। सेकेंड फिर मैंने यहाँ पे देखे, यहाँ पे गैस स्टोव्स भी थे, तो इनका रेंज भी 1600, 1700, 2 बर्नर, 3 बर्नर सबके लिए था। फिर मैं आती हूँ एक ग्लास के सेक्शन में, जो कि 500 में अगर आपको 6 ग्लासेस मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी अमेजिंग क्वालिटी के थे, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ पे ग्लास की छोटी छोटी
बॉटल्स मिल रही थी तो मैंने नहीं लिए, बट मुझे कलेक्शन बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छे अच्छे शेप्स के और क्वालिटी के यहाँ पे ग्लासेस थे, बट ड्रायज के डर के मारे मैंने लिए नहीं। और यहाँ पे एक सेक्शन आया था क्रॉकरी का, जो कि आपकी छोटी छोटी क्रॉकरी होती है ना, जिसमें आप कुछ सॉसेज वगैरह रखते हैं या भी कुछ स्टार्टर्स वगैरह रख सकते हैं, तो उस तरह की क्रॉकरीज यहाँ पे बहुत ही अच्छे रेट्स में थी, जो बाय वन गेट वन के डिस्काउंट में लगी हुई थी। और साथ में मैंने सेट देखा था, डाइनिंग सेट भी आपको यहाँ पर मिल रहा था, तो मुझे तो काफ़ी अच्छी कलेक्शन लगी है वाली। फिर यहाँ पे आपका ये ड्रायर्स और ब्लेंडर्स प्रेसिंग्स, मतलब MRP रेट से बहुत ही अच्छे रेट में मिल रहे थे। अगर किसकी 2000 MRP है तो उनका रेट 50% ऑफ था, तो वहाँ पे 1000 में आपको मिल जाता। फिर यहाँ पे कुछ कलेक्शन आ गई थी आपकी, फिर यहाँ पे एक कलेक्शन था जहाँ पे आपको सारा गिफ्टिंग पर्पज़ से सामान और आपको क्या सब कुछ मिल जाता। फिर मैंने 99 का एक वो देखा, छोटे छोटे यहाँ पे कप्स थे। फिर मैं यहाँ पे एक सेक्शन में आई जहाँ पे बॉटल्स आपको 200 में आपको 3 बॉटल का सेट मिल रहा है, हालांकि ये प्लास्टिक था बट इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे वो आप भी फ्लास्क की वैरायटीज़ थी, बहुत अच्छी अच्छी बॉटल्स की और फ्लास्क की आपकी वैरायटीज़ आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे मिल्टन का एक अलग से सेक्शन था जहाँ पे मिल्टन के लंच बॉक्स राहुल ने देखे, तो यहाँ पे 249 के 3 सेट आपको मिल्टन का मिल गया। तो राहुल ने कहा कि मैं मिल्टन का ले लेता हूँ क्योंकि स्टील का है, ग्लास का तो टूट जाता, तो डर के मारे राहुल ने फिर बोरोसिल का रख दिया और हमने मिल्टन का ले लिया। और अब यहाँ पे मैं सेक्शन में आती हूँ जहाँ पे आपको और भी ज़्यादा वैरायटीज़ मिल जाती हैं लंच बॉक्सेस की, और भी छोटी छोटी चीज़ें आपको जो आप अपने किचन में यूज़ करते हैं, डब्बे हो गए दाल वाल रखने के लिए, तो ये सारी वैरायटीज़ आपको 99 में मैंने यहाँ पे देखा कि दिए भी मिल रहे थे, दिए का पूरा सेट यहाँ पे मिल रहा था जो कि अच्छे डिज़ाइन वाले हैं और सेंट वाले हैं, तो बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी। यहाँ पे बहुत सारे और आपको किचन की आपको आइटम्स यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको डब्बे हैं 99 में आपको 3 सेट्स के डब्बे मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे कलरफुल और अलग अलग वेराइटी के आपको डब्बे यहाँ पे दिख रहे थे। मतलब मुझे तो लिटरली बहुत ही अच्छी कलेक्शन लगी। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे टी शुगर वाले भी बॉक्स मिल रहे थे जो कि आई थिंक 129 के थे, या उसमें कुछ परसेंट ऑफ था, मैंने लिए नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, बट ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उसका कलर भी बहुत ही प्यारा था, ग्रीनिश था। और यहाँ पे 100 में आपको देखो ये यहाँ पे इतना प्लास्टिक का है, कुछ 5-6 डब्बों का सेट मिल रहा था, तो यहाँ पे कलेक्शन लिटरली बहुत ही अच्छी और आपको सब कुछ मिल जाएगा, छोटी सी छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़। तो यहाँ पे 249 के ये सेट मिल रहे थे जो आपके स्टोरेज बॉक्स होते हैं, तो और स्टोरेज बॉक्स हैं साथ में आपको यहाँ पे हैंगर्स भी मिल रहे थे, 99 में आपको 6 या 6 और 10 हैंगर्स आपको यहाँ पे मिल रहे थे, तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन और रीजनेबल कलेक्शन यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे आपको डायपर्स का सेक्शन भी अलग से था, राहुल यहाँ पे कुछ परफ्यूम्स देख रहे थे, इनको परफ्यूम्स देखने थे, काजल कॉस्मेटिक्स सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ जो मिलेगा कुछ ना कुछ पर्सन ऑफ के साथ। फिर यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे मिक्सचर्स बहुत प्यारी अच्छी अच्छी थी, तो वो भी बाय वन गेट वन के उसमें थी। यहाँ पे फ्रूट्स की प्रॉपर एक अलग से सेक्शन है कि यहाँ से आप कोई भी तरह का फ्रूट आप ले सकते हो। और यहाँ पे गिफ्टिंग का सारा सेक्शन था जहाँ पे आपको गिफ्टिंग के जो बिस्किट्स नमकीन या फिर कुछ मिक्स करके बनाया होता है ना, वो सब चीज़ें यहाँ पे थी। और यहाँ पे मैंने देखे कि 3 सेट से कैस्ट्रॉल के या फिर आप उसको बोल लो कुछ आपको सामान वान रखना हो खाने पीने का, तो बहुत ही गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए सेट से बहुत ही अच्छे लगे मुझे। यहाँ पे रियांश खेल रहा है मेरे साथ, भाग रहा है, और यहाँ पे अलग से इनका साइड में एक सेक्शन था जहाँ पे आपको कपड़े और ये बैग्स एंड ऑल, मतलब हर चीज़, मतलब इतना बड़ा आउटलेट था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उस कपड़ों के लिए अलग सेक्शन था, और ये हाउस होल्ड की चीज़ों का, किचन वेयर की चीज़ों का अलग सेक्शन था। तो यहाँ पे और भी चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर रही थी, मैंने और चीज़ें देखी कि यहाँ पे कैस्ट्रॉल की और वैरायटीज़ हैं, मतलब आपको हर अगर आप कुछ भी चाहिए तो उसके लिए एक अलग सेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाओ और उसको एक्सप्लोर करो, और जो भी आपको प्राइस रीजनेबल लगे आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखा ये ब्रेड वाला जो होता है वो भी बहुत अच्छे रेट में था, और यहाँ पे रियाज बस भागे ही जा रहा है, और राहुल वहाँ पे काउंटर पे खड़े हैं क्योंकि हमें कुछ बिलिंग करवाना था, और लाइन इतनी लंबी थी। आई होप आपको मेरा शॉपिंग का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब।